नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, EM एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, प्रतिशत का लगातार टॉपिक हम लेके चल रहे हैं, जिसको आप देख रहे होंगे। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारी सारी वीडियो को जा कर के देख सकते हो। SD यादव की किताब को हम कंप्लीट करा के चल रहे हैं, जिसमें हमने संख्या पद्धति की एक कंप्लीट वीडियो बना दी है, आप उसको जाके देख सकते हो। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लेना, जिससे जो भी वीडियो मिलेगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। तो आज दोस्तों हम सवाल करा रहे हैं, सवाल नंबर 61। इसमें 61 में जो सवाल में क्या पूछा गया उसको पहले समझेंगे। किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है, 3% धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपये का व्यय करता है, तो उस महीने का कुल वेतन कितना है ये बताना है। तो समझने वाली बात है कि उन्होंने क्या क्या खर्च किया। एक तो 30% खर्च किया है भोजन पर और 3% धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। तो टोटल देखें हमारा कितना टोटल परसेंट खर्च हो जाता है, तो आप कहोगे कि 33% आपका खर्च हो जाता है। और 33% पे जो खर्चा हमें दिया है वो दिया है दोस्तों 2310 रुपये। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 33 से अगर हम 11 से इसे काटे तो तीन बार कट जाएगा, 11 3 33, और इसको काटे हम 11 से तो 11 2 22, 11 1 11, 210 बार कट जाएगा। अब 3 से इसको काट सकते हैं 7 बार, है ना, 70 बार कट जाएगा। और ये एक बार कटता तो हम ये कह लेंगे दोस्तों कि 1% इधर, तो 1% रहेगा इधर, कितना हो गया 70, 1% पर 70 है। तो कभी भी जितना भी वेतन होता है या कोई भी धन होता है वो 100% होता है, तो इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा मूल वेतन, 7000 रुपये बन जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन आपका कौन सा दिख रहा है, आपको ऑप्शन डी दिख रहा है। इस तरह से आप आसानी से इसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 62। इसमें क्या कह रहा है, श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 70600 रुपये खर्च किए, तो उस महीने उसका वेतन कितना था। तो हम दोस्तों साफ साफ नज़र आ रहा है कि 35% तो ये भोजन पर खर्च किया है, इसके बाद में 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया है। तो टोटल ओवरऑल देखेंगे तो कितना खर्च हो गया है, 40% का खर्चा हो चुका है। अब ये 40% जो खर्चा हुआ है इसी का उसने पैसा बता दिया है कितना, 17600 रुपये बताया है, इतना खर्चा आया है यहाँ 40%, यानी ये जो पैसा वही 40% है। तो दोस्तों 4 से इसमें भाग दे देंगे तो 10 बार चला जाएगा, और 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 चौक 16, यानी 4400 बार चला जाएगा। अब इसमें एक एक जीरो बढ़ा दो, क्योंकि हमें 100% मूल वेतन बनाना है, तो इसमें भी एक जीरो आसानी से बढ़ जाएगा, यानी हमारा उत्तर अगर देखें तो कितना आ रहा है, 44000 रुपये मेरे महीने का वेतन 44000 रुपये आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगली सवाल की तरफ हम चलते हैं, सवाल नंबर है हमारा 63। इसमें क्या कहा गया है, अब दोस्तों इसमें चुनाव से संबंधित सवाल दिए गए हैं, और इसको अगर आपको डिटेल में देखना है दोस्तों तो हमारे चैनल पर जाइए, प्रतिशत का एक फोल्डर होगा, उसमें आपको चुनाव से संबंधित सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर तो हम सवाल करा के चल रहे हैं, SD यादव की पूरी किताब को हल कराने के लिए चल रहे हैं, ठीक है। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिलते हैं, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी दे रखी है, टोटल 104000 रही हो, तो उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। अब दोस्तों हम देखें कि हमारे पास 104000 कुल वैध मत, कुल मत है मतदाताओं की संख्या, इसमें से 2% वोट खराब निकल जाएं तो आप ये कहोगे कि 98% वोट हमारे सही रहे होंगे, यानी इसी को हम वैध मत कहेंगे। अवैध मतलब 2% खराब हो गई वो, उनको अवैध कहते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। अब ये हमारे टोटल जो वोट निकलेंगे वो हमारे कौन से निकल के आए हैं, वैध मत। अब वैध मतों के 55% मत मिले हैं, तो दोस्तों आप 55% मत इसका निकाल सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो, 1 2 3 0 यहाँ से काट सकते हो, 1 2 और 3 0।
अब आप क्या कर लोगे, पाँच ये दो, पाँच से ये दो बार कट जाएगा, पाँच से दोस्तों ये 11 बार कट जाएगा, और दो से आप इसे काट सकते हो, तो 2 चौके 8 और 2 9 18 49 बार। अब दोस्तों आपको जो गुणा करना है वो 104 का 49 में गुणा करना है और इंटू 11 का गुणा करना है। तो अब आप क्या कर लोगे, पहले 49 का हम 104 में गुणा कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, गुणा करेंगे 9 चौक 36 और 9 एक 9, ये गुणा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 4 चौक 16 और 4 एक 4, ये आपने गुणा कर लिया, ये 6 आ गया, ये 9 आ गया, ये आ गया 5096। अब 5096 हमारा यहाँ इन दोनों का गुणा करने पर आ गया है दोस्तों 5096। अब इसमें गुणा कर लेना है 11 का। अब 11 का गुणा करेंगे तो 11 छक्के 66 हासिल कितना हो गया 6 11 9 99 और 99 और 6 कितना हो गया 105 हासिल 10 आ गया दोस्तों। 11 11 0 की 0 और 10 10 की 0 हासिल 1 और 11 5 55 और 1 56। तो दोस्तों आप ये देखोगे यहाँ पर 56 आएगा, ये आ जाएगा 56, तो 56 0 56। अब 56 0 56 कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है दोस्तों। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 56 0 56 ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 64। इसमें क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और 1600 मतों से जीत गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों वैसे वोट अगर हमारे 100% होते हैं, जब एक को 60% मिले होंगे तो आप सोच सकते हो कि दूसरे व्यक्ति को 40% मत मिले होंगे। अब ये कितने परसेंट से जीता है, तो 20% से जीता है, दोनों का अंतर कर लेंगे और 20% का मतलब 1600 मत हैं दोस्तों। अब इसको 100% बनाना है तो 5 का गुणा कर दीजिए तो ये 100% बन जाएगा, क्योंकि 20 पंजे 100 होता है। अब इसमें 5 का गुणा करोगे तो 16 पंजे 80 और 2 0 पहले से हैं, तो टोटल कुल कितने मत हैं 8000। ऑप्शन कौन सा हो सकता है आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी 8000, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा 65। इसमें हम देखेंगे एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। दोस्तों वही 100% आपको मानना पड़ेगा, वो अगर हारने वाला 40% ला रहा है तो जीतने वाला 60% ही लाएगा, क्योंकि 100% रहता है। अब ये कितने से हारा है, 20% से हारा है, और 20% से हारा है कितने हैं, 298 वोटों से हारा है दोस्तों, 298। अब इसको 100 बनाने के लिए 5 का गुणा कर दीजिए, बिल्कुल अभी की तरह। तो 5 का इसमें गुणा करा तो 100 बन गया, 5 का इसमें गुणा कर लो 8 पंजे 40, 5 का इसमें गुणा करेंगे है ना, तो इसका 5 में हमने यहाँ गुणा कर लिया, ये आप ध्यान रखना, तभी तो 20 पंजे 100 हो गया। 5 8 40 हासिल 4, 9 5 45 और 4 49 हासिल 4 और 5 10 4 14, यानी कितने वोट हो जाएंगे दोस्तों, 1490, जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम दोस्तों चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 66। इसमें क्या कह रहा है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से 63% मत पाने वाले उम्मीदवार 650 मतों के कुल बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, तो चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या कितनी है। अब यहां पर सोचने वाली बात है दोस्तों कि 100% है, अब यहां पर 63% लेके आया एक व्यक्ति, जब एक व्यक्ति 63 लेके आया होगा तो ये कितने लेके आया होगा, वो 37% मत लेके आया होगा, ये ध्यान रखना है। पहले तो इन दोनों का डिफरेंस देख लें, क्योंकि ये 600 मतों से बहुमत जीता है, तो हम यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो 13 में से 7 गया, तो यहाँ 6 बचा दोस्तों, और यहाँ से बचेगा 2, 26% का डिफरेंस रहा है, और 26% पे अगर हम देखें 650, तो अब इसका हम डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65 50, और इसको 2 से 50 को 25 बार काट दोगे, यानी 1% पे अगर हम देखें तो कितनी वोट मिल रहे हैं, 25। हमें चाहिए हारने वाले को तो 37% वोट मिले थे, तो 37 का हम इसमें 25 में गुणा कर देंगे दोस्तों, 37 का, ठीक है। अब आप गुणा कर सकते हो, तो गुणा करोगे तो 25 सत्ते 175 हासिल 17 हो गया,
और 25 ती 75 और 17 और जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 92 यानी 925 वोट हो जाएंगे। हारने वाले को वोट जो मिले थे दोस्तों वो कितने मिले थे, 925 वोट मिले, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा बन रहा है, ऑप्शन बी बन रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ दोस्तों हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा 67, इसमें क्या कहा जा रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो जाता है तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो आप सबसे पहले मतदाता हैं, टोटल वोट डालने वाले 100% थे, जिसमें से एक व्यक्ति को 84% मत मिले तो दूसरे व्यक्ति को 16% मत मिले होंगे। दोनों का डिफरेंस देखें दोस्तों तो 14 में से 6 जाएगा तो दोस्तों यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो 68% बराबर 476। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आपको क्या करना है, यहां पर इसे काटेंगे तो दोस्तों ये 7 बार कट जाएगा, यानी 1% की अगर वैल्यू देखें तो ये हो जाएगी 7, और 100% हमें दिया गया है तो इसको 100% बनाना पड़ेगा, तो 100% की बात करें तो कितने बन जाएंगे, 700, यानी टोटल वोट करने वाले कुल जो संख्या थी मतों की वो कितनी हो जाएगी, 700, जो कि कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन बी बन रहा है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7,200 मतों का नुकसान होगा तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आपने 100% ये माना, ठीक है, और 38% एक व्यक्ति को मिले हैं, 38% ये जो 100% मत हैं वो वैध मत हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, क्यों, वैध मत में से ही हार जीत होती है, 38% मत इसको मिले हैं तो आप ये सोचोगे कि 62% मत इसको मिले होंगे, तो दोनों का डिफरेंस देखें दोस्तों तो 12 में से 8 गया तो 4 बचा और यहाँ से 2 बच गया। ठीक है, अब 24% पे अगर हम देखें तो 7200 वोट हैं तो 24 या 72 यानी 300, यानी 1% की बात करें तो 300 हो रहा है दोस्तों। अब बात करें 100% की, क्यों, वैध मत तो 100% है तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 30,000 मत हो जाएंगे, जो कि कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन डी बन रहा है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 69, इसमें क्या कह रहा है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए तो वैध मतों के, जो वैध मतों के कितने थे 75% से, तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। अब यहां पर आपको सोचने वाली बात है कि दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी सिंपल सी बात है दोस्तों कि 100% वोटर थे जिसमें से केवल 75 ने वोट डाले और 25 ने वोट नहीं डाले, 25% वोट नहीं डाले। अब ये 75% वोट डालने वाले हैं, अब इन्होंने वोट डाले, अब इसमें से वैध अवैध होंगे कि कितने लोगों ने खराब करे और किसने कितने सही करे, एक तरफ वैध और दूसरे अवैध, ये भी ध्यान रखना, जितने वोट पड़ते हैं उनमें से वैध अवैध छांटे जाते हैं। अब 2% अवैध हो गए, 2% अवैध, 2% किसके, 75 के, तो 75 के 98% कितने कौन से रहे होंगे, वैध, ये वैध मत रहे होंगे दोस्तों, ये 75% के 98% वैध मत रहे होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब सिंपल सी बात है दोस्तों कि एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75%, अब हमारे वैध मत ये हैं, इसके अगर हम 75% करते हैं तो ये जो है वो कितने हैं, 9,261 है, ये ध्यान रखना। अब सिंपल सी बात है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, वो चीज ध्यान रखना है, यहां पर केवल 75% को छोड़ना है, ठीक है, और बाकी 9,261 में डिवाइड कर देना है 98
इंटू 100 हो जाएगा, परसेंट उठाएंगे तो, और नीचे 75 और इंटू 100 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रख लेना है। अब क्या करना है आपको, 25 75, 25 चौके 100, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 3 से इसे काट लेते हैं हम, 3 3 का 9 0, 3 8 24, 3 7 21, इतनी बार कट जाएगा, ये इतनी बार कट जाएगा। 2 से ये 2 बार कट गया, और 2 से ये कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 9 18 49 बार। अब क्या कंडीशन बन रही है, 3087 मल्टीप्लाई 100 इंटू 2, और नीचे कितना है, नीचे आप देखो दोस्तों, तो यहां से बन रहा है केवल 49। अब लेकिन ये 75% है, तो 25 3 75 और 25 चौके 100, ये 4 बार कट जाएगा, और 3 से ये कट सकता है, 3 से इसे काटे हम, चलिए कलर बदल लेते हैं जिससे आपकी समझ में आ जाए, है ना। अब हम 3 से इसे काटे तो ये 1 बार कट जाएगा, 3 से इसे काटे हम 3 से, तो 3 1 3 0, 3 2 6 और 3 9 27। यानी अगर हम देखें यहां पर एक परसेंट की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो यहां पर 1029 और 4 2 8, 1029 इंटू 8 बटे कितना है, 49 49, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको इसको डिवाइड करें हम यहां पर, तो ये कितनी बार कट रहा है, 7 7 49। यहां पर कलर बदल लेते हैं इसे काटने में कोई दिक्कत ना हो, 7 बार कट गया, 7 से इसे काटेंगे हम, तो 7 1 7, यहां से 3 बचेगा, 7 चौके 28 और 7 7 49, फिर ये 7 से कट जाएगा, 7 2 14 7 21। यानी अगर हम देखें 1% बराबर 21 का 8 में गुणा कर दें तो 8 1 8, 8 2 16, इतनी बार कट रहा है, तो 100% की वैल्यू निकालें दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 00, यानी 16800 वोट हो जाएंगे, जो कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको काट के पीट के बता दिया है, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक। अब मैं आपको इसका एक तरीका और बता देता हूँ, वो तरीका और देख लो, बताऊँ कि नहीं बताऊँ, बताओ, शॉर्टकट अगर बताऊँ तो आप आसानी से कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वैसे आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर है दोस्तों हमारा 70, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, ठीक है, 8% यानी 100% थी, इसमें से 8% ने वोट नहीं डाले, तो 92% ने वोट डाले, वोट डाले, इतने लोगों ने वोट डाले, ठीक है। इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों की 48% मत प्राप्त किया। अब यहां पर ये कुल मत हमारे ये हैं, अब इसका 48% ये मत प्राप्त करेगा तो फिर ये कितना करेगा, तो 12 में से 8 गया तो ये 4 और यहां से 4, ये 44% मत प्राप्त करेगा, इसको ध्यान रखना है। अब इन दोनों का डिफरेंस करें तो कितना परसेंट जा रहा है, 4%, और 4% पे हमें कितने दिए, 1100 मत 1100, तो 100 बनाने के लिए 25% बना दो, क्या पूछा है, चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया तो चुनाव में कुल मत, तो इसको 100 बनाने के लिए 25 का गुणा कर देंगे, 100% बन जाएगा, तो इसमें दोस्तों हम 1100 में 25 का गुणा कर देंगे, तो गुणा करें 0 0 25 1 25 हासिल 2 और 25 1 25 और 2 27, यानी कितना हो जाएगा, एक अगर 100% की अगर हम बात करें तो 100% हमारे वोट हो जाएंगे 27500, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी बन जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अगले सवाल की तरफ दोस्तों हम चलते हैं, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 71, इसमें क्या कह रहा है,
दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 55% मत प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध है थे। यदि वोटों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार की वैध वोटों की संख्या कितनी थी? यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो अब यहाँ पर इनको जब कुल वोट दे दिए 7500, तो अब मैं आपको एक चीज़ बताते रहा हूँ कि वैध मत कितने थे, 55%, लेकिन 20% वोट अवैध घोषित हो गए तो सही वोट कितने रहे होंगे, तो सही वोट 80% रहे होंगे दोस्तों ये, और इसमें वैध मत 45% थे, एक उम्मीदवार को 45% मिले, तो ये क्या कह रहा है, दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, 45%, उसको 55% मिले तो इसको 45 मिले होंगे। अब आपको हल कर लेना है इन सवालों को, जो हल कर लिया अब हम कहेंगे 25 75, 25 चौके 100, और 4 से ये 80 कट जाएगा 20 बार, है ना। अब ये आपको गुणा जो करने के लिए रह गया है, ये हो गया 60, 20 या 60 और ये 45, अब इसका गुणा कर देना, 0 पहले रख लो, 6 5 30 हासिल 3 और 6 4 24 और 3 27, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2700 वोट, जो कि ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन ए बन रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 72, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले, यदि कुल 180,000 मतों से मतों में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। तो दोस्तों अभी जो मैंने कराया है बिल्कुल वही सवाल है, 180,000 वैध मत लिख लिए, 10% खराब निकले हैं तो 90% सही निकले होंगे, और जब पहले उम्मीदवार को 80% मत मिले हैं तो दूसरे उम्मीदवार को 20% मत मिले होंगे। बस इसको आपको क्या कर लेना है, 2 0 खत्म हो गए और यहाँ से 2 0 ये खत्म हो गए, अब ये 1800 और ये 9 2 18, जब आप हल करोगे तो 18 18 324 और 00 पहले से है, तो दोस्तों इतने हैं 32,400 दूसरे उम्मीदवार को वोट पड़े, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों सवाल आ गए जनसंख्या पर आधारित, अब जनसंख्या पर आधारित सवालों को देखेंगे। एक गांव की आबादी 20% प्रतिदर से घट रही है, 20% प्रतिवर्ष घट रही है, तो 2 वर्ष पूर्व आबादी कितनी थी, यानी कहने का मतलब दोस्तों कि पहले 100 थी और 20% घट गई, 80 रह गई, और फिर अगली साल भी 20% घट गई, 80 रह गई। हम क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 खत्म कर देंगे, ये 100 है और ये है 8 8 64। अब पूर्व की 2 वर्ष पूर्व की आबादी 10,000 थी, ये 10,000 थी, तो 10,000 बनाने के लिए 2 0 इधर बढ़ा देंगे, तो इसमें 2 0 बढ़ा तो ये कितने हो जाएंगे, 6400। तो वर्तमान आबादी कितनी रही है, 6400, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है कि नहीं ठीक है। या आप ऐसा करते कि अगर हम ये 100 था, 80 हो गया, ये भी ध्यान रखना, 80 हो गया फिर इनटू 100, देखिए यहाँ पर कुछ काट पीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी 80 हो गया, अब ये 10,000 बन जाएगा, जैसे गुणा कर दोगे तो 4 0 ये बन जाएंगे, और ये सीधे सीधे गुणा करने पर 8 8 64 100 बन रहा है, यानी पहले 10,000 रही होगी तो वर्तमान में कितनी है, 6400, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, अगला सवाल है 74, इसको देखेंगे। यदि एक नगर की जनसंख्या कितनी है वर्तमान में, 64,000 है, तो 10% वार्षिक वृद्धि होती है, तो 3 वर्षों बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, आपको या तो इसी में ऐसा कर लीजिए, या फिर मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, आप पहले 100 मानिए और 10% की वृद्धि हो रही है तो 110 हो गया, फिर 100 मानिए 3 साल की बात है तो फिर 110 हो जाएगा, फिर 100 मानिए फिर 110 हो जाएगा, 110, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, 3 0 छोड़नी है तो 3 0 काट लेना, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर 3 0 छोड़ दीजिए, 1,000, यहाँ पर 11 11 11 का गुणा कर लेंगे तो 1331। अब इसमें आप 64 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि 6400 है, ये 6400 है,
तो इसमें 64 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा दोस्तों 6400। ये तो हमारी वर्तमान दे रखी है 6400, लेकिन इसका इसमें गुणा करते ही आपका आंसर आ जाएगा, यानी 1331 में 64 का गुणा कर देते हैं हम दोस्तों। तो 4 × 4 = 12 हासिल, 1 × 4 = 13 हासिल, 1 × 4 = 5। अब इस तरह से 6 × 6 = 18 हासिल, 6 × 18 = 19 हासिल, 6 × 6 = 7। अब जोड़ोगे तो यहाँ पर ये 4, यहाँ पर 8, 11 हासिल 1, तो 15 × 5 हासिल लगे 1, तो 85184, 85184 जो कि कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन आपको बी दिख रहा है, 85184। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा 75, इसमें क्या कह रहा है। एक नगर की जनसंख्या 311,250 है, उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात कितना है, 43:40 है, कितना है, 43:40। यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको क्या करना है, इस सवाल को देखें, थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो 43:40 पहले है फीमेल, फिर उसके बाद में है मेल, क्योंकि उसने बोला है उसमें स्त्री और पुरुषों का अनुपात दे रखा है। तो अब दोस्तों अगर हम इसको जोड़ें तो आप ये कहोगे सर ये 83 हो गया, और 83 पर अगर हम यहाँ से ये रख दें 311,250 तो इसे काट सकते हैं, इसे डिवाइड आपको करना पड़ेगा, है ना। तो इसका डिवाइड बहुत खतरनाक जाएगा, 311,250 डिवाइड करें हम 83 का, तो हम यहां तीन बार जाएगा, 3 × 9 और 3 × 8 = 24, 3 बार चला जाएगा, घटाएंगे हम तो यहां से देखेंगे 11 में से 9 गया तो 2 बचा, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, और इतना बच गया, अब यहाँ से उतार लेंगे 2 तो यहाँ 7 बार जाएगा, 7 × 21 हासिल 2 और 7 × 56 और 2 = 58, यहाँ घटाएंगे 1, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, अब यहाँ से उतार लेंगे दोस्तों 5, अब यहाँ पर 5 बार दें तो 5 × 15 और 5 × 40 और 41, पूरा डिवाइड हो रहा है, ये 0 यहाँ से उठ के इधर हो जाएगा, यानी 83 से दोस्तों अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 1 रेशियो की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 3750 इतनी निकल के आ रही है। अब स्त्री पुरुष की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 43 का गुणा करके, है ना। तो अगर हम 43 का गुणा करें तो 3750 में 43 का गुणा करना पड़ेगा, और 40 का गुणा करें तो 3750 में हमें 40 का गुणा करना पड़ेगा, यानी ये तो फीमेल की संख्या आ गई और ये मेल की संख्या आ गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया दोस्तों, यदि पुरुष साक्षरों की संख्या 24% है, पुरुष साक्षरों की संख्या 24% और स्त्री साक्षरों की संख्या 8% है तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी है। अब यहां से पुरुष साक्षर की संख्या कितनी है 24%, तो यहां पर 3750 × 40% इसका 24% निकालें, 24% / 100, ये तो पुरुष है, और महिलाओं की साक्षर की बात करते हैं तो 8% है, तो महिला कितनी है 3750 × 43 और 8/100, ये महिलाएं हैं। अब दोस्तों इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, ऐसे इधर इस 0 से ये 0 खत्म हो गया, 5 से ये 2 बार, 5 से ये घट जाएगा, 5 × 7 = 35, 5 × 25 = 75 बार, और 2 से दोस्तों ये घट जाएगा 4 बार। अब आपको इस 4 का ये 375 काम नहीं चलने वाला है, 375 × 96, ये तो ये करना है, प्लस इधर 300 ये आ गया,
चौका 300 और इंटू 43। अब इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसके लिए सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ, आपको यहाँ कर लेना है। जैसे 375 में आपने गुणा कर लिया 96 का, तो करके दिखा दें। अगर 6 5 30 हासिल 3, 6 7 42 और 3 45 हासिल 4, और 6 3 18 18 18 4 18 4 22, 9 5 45 हासिल 4, 9 7 63 63 4 67 हासिल 6, और 9 3 27 और 6 33, 0 10 की 0 हासिल लगी 1, 10 की 0 हासिल लगी 1, 6 ये हो गया 3600, यानी 36000 प्लस। और इसका गुणा कर लें, 0 2 रख लें पहले, और 3 3 9 और 3 4 12। अब इसमें जोड़ दें हम 12900 को, इसमें जोड़ दें तो 0 0 9 और 8 और 4, तो आंसर हम कहेंगे 48900, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा।